स्टडी आयल में सभी का स्वागत है। स्टडी आयल की इस वीडियो में हम देखेंगे एंट्रोपी के से रिलेटेड जो गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी तक जो 1993 से 2017 में जितने भी एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी जो चार वीडियोज़ हैं जो एंट्रोपी से रिलेटेड मैंने इस टॉपिक समझाया हुआ है उन्हें नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले आप उन्हें देख लीजिए। इससे आपको क्या होगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगी इस वीडियो के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं तो वो आप आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एंट्रोपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे, ये पूछा गया था 1993 में, क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था। देखते हैं क्या है। फिगर बिलो शोज अ रिवर्सिबल हीट इंजन ER हैविंग द हीट इंटरेक्शन विद 3 कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सिस्टम। ठीक है, 3 टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सिस्टम दिए गए हैं, यानी कि इनके जो रिजर्वायर दिए गए हैं उनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, जो हीट इंजन हमें दिया है उसकी थर्मल एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो देखो, हमें पता है क्या होता है थर्मल एफिशिएंसी, किसी भी हीट इंजन की हमें निकालनी हो किसी भी, तो हमें क्या होता है इंजन की निकालनी 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट इनपुट। हीट रिजेक्टेड कितनी हो रही है, Q3 हो रही है हीट रिजेक्टेड, और इनपुट क्या हो रही है हमारी Q1 प्लस Q2। ये तो हमारे थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसमें क्या है Q1 और Q2 तो गिवन है लेकिन हमें Q3 नहीं गिवन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, रिवर्सिबल हीट इंजन दिया गया है। ठीक है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए क्या होती है, हमारी जो एंट्रोपी की रिलेशन होती है, जो हमारी क्लॉसियस थ्योरम है, क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ dQ by T इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर लेस देन 0 कब के, लेस देन 0 कब है, जब वो इरिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल है तो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। तो क्या होता है इनकी, इनका सबका समेशन डिवाइड Q/T का समेशन किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। उससे हम क्या निकाल लेंगे, Q3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा हमारा, पहले रिजर्वायर के लिए देखेंगे तो Q1/T1, तो Q1 कितना है आपका 100 किलो जूल डिवाइड बाई 1000 केल्विन। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, हीट इनपुट हो रहा तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, प्लस क्योंकि हम किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हीट इंजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसको हीट इनपुट हो रहा है तो क्यू प्लस में ही आएगा। ठीक है, प्लस दूसरा क्या, Q2/T2 यानी कि 50/500। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है तो Q3 क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस Q3/300 इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये रिवर्सिबल है इंजन, तो इक्वल्स टू हम इसके 0 रखेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, Q3 की वैल्यू निकालेंगे। Q3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका क्या हो गया 0.1 हो गया, ये 0.1, और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा, प्लस 0.1, और इसको हम उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे 0.1 हो गया, ये 0.1, तो इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस Q3/300। ठीक है, तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 60 किलो जूल आ जाएगा, यानी Q3 की वैल्यू 60 किलो जूल आ जाएगी, आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, Q3 की वैल्यू हमें मिल गई है, Q3 की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसमें रख दो Q3 की 60 हो गई, और हम कितना इनपुट कर रहे हैं, हम इनपुट कर रहे हैं कितना, Q1 प्लस Q2 कितना हो गया 150, तो 1 माइनस 60/150, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जो, तो आपका आंसर आएगा 60%, यानी कि एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 60%। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हेन अ सिस्टम एग्जीक्यूट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस साइकिल, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, मैंने अभी बताया इरिवर्सिबल के लिए क्या है, थर्मल क्लॉसियस थ्योरम क्या थी, ∆Q/T जनरल इक्वेशन ये थी, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 थी रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन 0, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक नंबर में था पिछला वाला क्वेश्चन, ये भी आपका एक मार्क्स में 1994 में पूछा गया था। अब 1500 वॉट इलेक्ट्रिकल हीटर इज यूज टू हीट 20 किलोग्राम ऑफ वाटर, CP हमें दिया गया है, इन एन इंसुलेटेड वैकेट, यानी कि Q यहाँ से क्या है 0 है, यानी कि कोई भी हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग नहीं हो रहा है, फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ द 30 to 80 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इफ द हीटर इज टेम्परेचर इज ओनली इनफाइनाइटिसिमली लार्जर देन द वॉटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, द
चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द हीटर, हीटर की एंट्रोपी चेंज बतानी है और वाटर की एंट्रोपी चेंज आपको बतानी है। तो क्या होगा, देखिए आप जब वाटर और हीटर की निकालनी है, देखो हमें मैंने बताया था आपको कोई भी एक कंटेनर है, बकेट है, तो उसको हमने इंसुलेट कर दिया, इंसुलेट कर दिया तो क्या हो गया, एज अ आइसोलेटेड सिस्टम हो गया वो, ठीक है। तो अब इसमें सिस्टम कौन कौन से, दो सिस्टम हो गया, एक तो आपका क्या हो गया, एक तो आपका हीटर हो गया और एक आपका हो गया, एक आपका हो गया वाटर, ठीक है। तो दोनों की एंट्रोपी मैंने बताया, एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल वन क्या होती है, इक्वल टू जीरो होती है, एंट्रोपी जनरेशन और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जीरो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम वाटर की निकालेंगे, वाटर के केस में निकालेंगे डेल्टा, तो इसमें क्या होगा, क्यू तो यहाँ पे सब कोई हो नहीं रहा, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, जैसे टी वन टेम्परेचर से टी टू टेम्परेचर पे जा रही है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या होगा, इसमें एंट्रोपी चेंज होगा, तो वो कितना होगा, एम सी पी डेल्टा टी, डेल्टा टी की वजह से, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी करोगे डेल्टा टी डी टी ले लो उसको, ठीक है, अपॉन टी, ये आपकी डी टी होगी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो एम तो कांस्टेंट है, सी पी भी कांस्टेंट है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी टू बाई टी वन आ जाएगा। टी टू हमारा कितना दिया, 80 डिग्री सेल्सियस, हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और टी वन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा वाटर का, वाटर का जो एंट्रोपी चेंज आएगा, वाटर का एंट्रोपी चेंज आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका उस आंसर आएगा 172 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, यहाँ पे 6.99 कुछ आएगा, तो 7 ले लिया मैंने जूल पर। देखिए हमेशा याद रखिएगा जो यूनिट उसमें दिए गए हैं उस यूनिट में आपको निकालना है, यहाँ पे जूल पर केल्विन में निकालना है तो ये वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट गिवन टू द सिस्टम हो रही है, यानी कि हीटर क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है और सिस्टम को दे रहा है, ठीक है। तो जो एंट्रोपी चेंज होगी, यानी कि ये पॉजिटिव में हो रही है, तो जो हीटर से एंट्रोपी चेंज होगी, मैंने अभी बताया यूनिवर्स का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द जो हीटर होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, बस इसकी वैल्यू आ जाएगी 127 जूल पर केल्विन में ही पूछा है तो जूल पर केल्विन में ही निकालेंगे। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग गलत कर देते हैं ये चीज़। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द केस ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम अंडरगोइंग अ इरिवर्सिबल साइकिल, हमेशा याद रखिएगा जो क्लॉसियस थ्योरम है, क्लॉसियस थ्योरम सब रेफ्रिजरेशन के लिए वैलिड होती है, हीट इंजन के लिए वैलिड होती है और हीट पंप के लिए भी वैलिड होती है, यानी तीनों के तीनों जो सिस्टम्स हैं उनके लिए सारे के लिए वैलिड है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इन अ केस ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल साइकिल डी क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो, अगर इरिवर्सिबल है तो लेस देन जीरो और अगर रिवर्सिबल होता तो इक्वल टू जीरो होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन किलो मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज थ्रॉटल्ड फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 0.3 मेगा पास्कल टू 0.1 मेगा पास्कल, द इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज, देखो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें इसमें आपको छुपी हुई हैं उसमें से निकालना है। सबसे पहले क्या है, थ्रॉटल्ड, थ्रॉटल किया है, ठीक है, और आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है तो हम क्या मानेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस मानेंगे, यानी कि टी वन इक्वल्स टू टी टू, यानी कि हमारी दोनों टेम्परेचर क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, 300, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं कहोगे क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, टीएस डायग्राम जो होता है, यानी कि थ्रॉटल प्रोसेस का, थ्रॉटलिंग प्रोसेस का टीएस डायग्राम, वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है वो, ठीक है। मैं हालांकि पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ इस तरीके से होता है, यानी कि टी वन इक्वल्स टू टी टू होता है, लेकिन वो क्या होता है, वेरी करके वापस से वही प्रोसेस उसी पर आ जाता है टी टू, ठीक है, इस तरीके से उसका टीएस डायग्राम होता है फॉर द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है। टी वन इक्वल टू टी टू होगा इसमें। अब देखिए मैं एक डेरिवेशन भी इसको साथ ही आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए क्या है, डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस किस पर डिपेंड करता है, डी एस डी क्यू बाई टी पे, डी क्यू बाई टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्यू क्या है, क्यू किस के ऊपर डिपेंड करेगी, क्यू इक्वल टू हमारा अगर फर्स्ट लॉ हम देखें, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है यू प्लस डेल यू प्लस, अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉसी स्टैटिक है रिवर्सिबल प्रोसेस की पीडीवी, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो हम ये पीडीवी वर्क ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसको हम क्या करेंगे, डी क्यू है, ठीक है, ये आ गया। अगर हम इसको डिवाइड बाई टी कर देंगे सारे साइड,
तो क्या आ जाएगा, ये एंट्रोपी आपकी आ जाएगी, एंट्रोपी चेंज आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तीनों चीज़ों को हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब देखो डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, पर यूनिट मास लेके चलते हैं, तो हमारा क्या होगा, सी वी डी टी, सी वी डी टी बाई टी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पी डी वी वर्क हुआ, अब देखिए यहाँ पे पी डी वी वर्क है और वो बोल रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे पी वी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। यहाँ पे मास ले लीजिए, हम पर यूनिट मास नहीं लेते हैं, तो मास हम ले लेते हैं, ठीक है, एम आर टी, इसमें भी मास हम इंक्लूड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ दी गई है, क्लो मोल में दिया गया है, यानी क्लो मोल में दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस करेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट में। वो कैसे करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं, आर इक्वल टू हमारा जो होता है आर यूनिवर्सल, जो मैं गैस जो चैप्टर मैंने बताया था, वीडियो बनाया था, उसमें ये चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, ठीक है, जो आइडियल गैस की हमने एक वीडियो बनाई थी, आर डिवाइड बाई एम, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, तो अगर हम इसको क्या करें, इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, एम बाई एम, एम बाई एम क्या हो जाता है आपका, मूल्स में हो जाता है, एन हो जाता है नंबर ऑफ मूल्स, यानी कि आपको मूल्स आ जाएगा, क्लो मूल्स आपको दिया गया। आर क्या हो जाएगा, ये आर बार हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8314 जूल पर के जी मूल, जूल पर के जी मूल, क्लो मूल, या तो क्लो मूल या के जी मूल, ठीक है। एन आर और टी, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब मुझे क्या करना है, पी को वी के उसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, पी वाई टी, पी वाई टी डायरेक्ट ले लेते हैं हम, पी वाई टी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एन आर, एन आर वाई वी, एन आर वाई वी, ये क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो प्लस इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एन आर तो आपका कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वाई वी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डी एस जो आपका आएगा वो किस तरीके से आएगा, एम सी पी, एम सी वी, सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, यानी कि टी टू, टी वन से टी टू तक ले गए हम, ठीक है, सपोज करो टी टू, टी वाई, टी टू बाई टी वन, प्लस एन आर, एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, यानी कि वी टू तक हम इस वॉल्यूम को लेकर वी टू बाई वी वन, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया आपका एंट्रोपी चेंज का, ठीक है, रिवर्सिबल केस में बात कर रहे हैं। अगर देखिए हम ये क्या है, वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और ये वाला चेंज क्या हो जाएगा हमारा, पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन होता है, पी वन बाई वी टू आइडियल गैस इक्वेशन से आएगा वी टू बाई वी वन, ठीक है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए n कितना हमें दिया गया है, ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था तो हमने इसको जीरो ले लिया, n क्या दिया है, वन दिया गया है, r कितना हो जाएगा, 8314 हो जाएगा, ठीक है। और v2 by v1 क्या है, v2 आपका क्या है, v2 by v1 तो नहीं दिया गया हमें, लेकिन हमें क्या दिया गया, टेम्परेचर चेंज दिया गया, यानी कि p1 by p2 आपका क्या हो जाएगा, p1 by p2 आपका, p1 कितना दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर 0.5 मेगा पास्कल दिया गया है, और फाइनल 0.1 यानी कि 5 by 1 यानी ln of 5 हम निकालेंगे, तो जो आपकी इसकी वैल्यू आएगी यानी कि डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 13.38 किलो जूल कैलोरी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, अ सिस्टम अंडरगोज अ स्टेट चेंज फ्रॉम 1 to 2 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर द प्रोसेस टू बी फिजिबल द एंट्रोपी चेंज S2 - S1 ऑफ द सिस्टम क्या होगी। देखिए हमेशा क्या याद रखिए कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इन केस ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एंड इन केस ऑफ द, इन केस ऑफ द इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज इक्वल टू जीरो, बट इट इज फॉर द यूनिवर्स। इसमें क्या पूछा गया है, सिस्टम की पूछी गई, तो सिस्टम की कोई भी एंट्रोपी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये चीज़ याद रखिए, अगर सिस्टम की पूछी गई तो कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, और अगर एंट्रोपी उसकी पूछी गई है आपकी यूनिवर्स की तो वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
अ साइक्लिक डिवाइस ऑपरेट्स बिटवीन द थ्री थर्मल रिजर्वायर एज शोन इन द फिगर। देखिए क्या है, आपको तीन रिजर्वायर्स दिए गए हैं, T1, T2 एंड T3। इसमें एक साइक्लिक डिवाइस दिया गया है, उसका हमने नाम नहीं दिया गया कौन सा साइक्लिक डिवाइस है ये। इसमें क्या हो रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसमें यहाँ से इनपुट हो रही है T1 रिजर्वायर से, Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से इनपुट हो रही है, और Q3 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो हमें बताना है ये कौन सा टाइप का इंजन है, या हीट पंप है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये हमें साइक्लिक डिवाइस के टाइप बताना है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए क्या है, यहाँ पे देखिए T1 यानी कि हायर टेम्परेचर, और T2 ये भी हायर टेम्परेचर है T3 से, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से Q1 इनपुट हो रहा है, Q2 इनपुट हो रहा है, टू द लोअर टेम्परेचर पे हमारा जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए क्या होगा, Q3 यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर जा रहा है, तो ये आपका कौन सा डिवाइस होगा, हीट इंजन डिवाइस होगा, यानी कि हमें यहाँ से हीट, यहाँ पे वर्क एक्सट्रैक्ट हो गया, वर्क तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जा रहा है ये। ठीक है, और Q1 यानी कि हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, कि ये तो हीट इंजन तो है, कंफर्म है, अब क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, यानी कि दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, हीट पंप वाला ये वाला। ठीक है, कौन सा बचेगा, ए और सी वाला बचेगा, इसमें से देखते हैं रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल। देखिए क्या करते हैं, फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस DQ/T, यानी कि DQ/T, फिर से वही फॉर्मूला लगना, DQ/T है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा इसी से आते हैं, इक्वल्स टू जीरो रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, अगर इक्वल टू जीरो आया तो रिवर्सिबल है, और अगर लेस देन जीरो आया तो इरिवर्सिबल है, यानी कि ये वाली कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई हमारी, लेस देन इक्वल टू जीरो तो इरिवर्सिबल, इक्वल टू जीरो तो रिवर्सिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका समेशन निकाल लेते हैं, यानी क्या आएगा, Q1 अपॉन T1, यानी कि 100 अपॉन 1000 प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 50 अपॉन 500। इसमें कितना आ जाएगा, देखो रिजेक्ट हो रहा है हीट, तो Q3 कितना है, 60 अपॉन 300। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, ये 0.1 आ गई, ये भी आपकी क्या आ गई, 0.1 आ गई प्लस 0.1, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी, माइनस में 0.2 आ जाएगी, 0.1 है ये, ठीक है, माइनस में 0.2 आ जाएगी, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगी आपकी, 0, यानी कि ∂Q/T का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, / T का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो 0 आ रहा है, यानी कि ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, एन इरिवर्सिबल हीट इंजन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर सोर्स एट अ रेट ऑफ 100 kW एंड रिजेक्ट हीट टू द सिंक एट द रेट ऑफ 50 kW। देखो ये हमारा हम डायग्राम बनाते हैं इसका, एक हमारा रिजर्वायर, दो रिजर्वायर दिए गए, इसके बीच में हमारा इरिवर्सिबल हीट पंप आपका काम, हीट इंजन आपका काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से Q1 कितना दे रहा है, 100 kW दे रहा है, और यहाँ से कितना हमें हीट रिजेक्ट कर रहा है, 50 kW रिजेक्ट कर रहा है, यानी टोटल वर्क कितना देगा आपको, 100 - 50, यानी कि 50 kW आपको इसको ये वर्क दे रहा है। ठीक है, हीट इंजन है ये। अगला है द एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन, एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ हीट इंजन इज यूज टू ड्राइव अ रिवर्सिबल हीट पंप ऑपरेटिंग बिटवीन द इंडिपेंडेंट आइसोथर्मल हीट रिजर्वायर एट 17°C एंड 75°C। यानी कि जो इससे वर्क मिल रहा है वो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमें हीट पंप में दे रहे हैं, वो क्या है, रिवर्सिबल हीट पंप है, तो वो कहाँ से, यानी कि 17°C एक रिजर्वायर से 75°C रिजर्वायर पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हीट पंप है, यानी कि 50 kW हम यहाँ से दे रहे हैं, और यहाँ से हमारा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चलो हमें स्टार्ट करते हैं फिर, ये हमारा ये वाला जो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये क्या है आपका 75°C है, तो यहाँ से जो हमारा हीट यहाँ से जाएगी Q2 मान लीजिए इसको, Q3 मान लीजिए, और यहाँ से कि Q4। ठीक है, 17°C है, 75°। अब रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में मैंने आपको बताया था क्या होता है, रिवर्सिबल का COP क्या होता है, जो 75°C है, 75°C को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 75 + 273 डिवाइडेड बाई कितना वर्क हमें मिल रहा है, कितना हमें वो टेम्परेचर है यहाँ का, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी 75 - 17 इक्वल्स टू
इक्वल्स टू क्या जाएगा, Q4 यानी Q4 हमें जो निकालना है, Q4 अपॉन W जो आप इनपुट कर रहे हैं वो W 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा Q4 में 300 किलोवाट, किलोवाट में निकालना तो 300 किलोवाट आएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन एट का आपका सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है जो 2010 में पूछा गया था, एक नंबर के लिए, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द हीट टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स आपको पता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपकी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग 2 प्रोसेस। हाँ, ये मैं लास्ट लेक्चर में शायद मैं आपको बता चुका हूँ कि इरिवर्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा है वो हम कैसे पता कर सकते हैं। देखते हैं, अ हीट सोर्स एट द 1200 केल्विन लॉसेस 2500 किलो जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 800 केल्विन, और एक हमें दिया गया है, अ हीट सोर्स एट द 800 केल्विन प्रोसेस लॉसेस 2000 किलो जूल ऑफ द हीट टू द सिंक एट 500 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी ये कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस है, ज़्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने बताया था आपको, हीट जनरेशन जो आपका, जिसका हीट जनरेशन है, हीट एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो हम इसके पहले वाले की देख लेते हैं, एंट्रोपी चेंज कितनी हो रही है, डेल्टा एस कितना हो रहा है हमारा पहले वाले का हमारा एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है। देखो, हीट सोर्स है, यानी कि हीट एक सोर्स है यहाँ पे, और एक यहाँ से डायरेक्ट क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द दिस टेम्परेचर, यानी कि 1200 केल्विन से हमारा चेंज हो रहा है 800 केल्विन तक टेम्प जो हमारी हीट जा रही है, ठीक है। तो हीट कितनी है हमारी, 2500 किलो जूल। तो अगर हम पहले वाले रिजर्वायर का हम एंट्रोपी चेंज निकालें, एंट्रोपी कितना है उसकी, तो कितनी आएगी आपकी QIT, लेकिन यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है तो माइनस टू फाइव जीरो जीरो डिवाइडेड बाई टी वन कितना अपना 1200, प्लस अब हीट इनपुट हो रही है सिंक वाले में तो क्या हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 800। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर आपको इसको मिलेगा नियर अबाउट 1.04 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। ये डेल्टा ऐसा आएगा। सेकंड वाले का सिमिलरली हम ऐसे ही निकालेंगे, सेकंड वाले का क्या जाएगा, कितना दिया गया 2000 दिया गया, तो 2000 माइनस में आएगा, ये माइनस 800 और ये प्लस 2000 अपॉन 500। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1.5 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। तो इसकी यानी कि सेकंड वाले की ज़्यादा आ रही है, यानी कि सेकंड वाला ज़्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस है फर्स्ट वाले से, जिसकी ज़्यादा एंट्रोपी चेंज आएगी वो ज़्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो सेकंड आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल गैस ऑफ अ मास एम एंड टेम्परेचर T1 अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फ्रॉम द एन इनिशियल प्रेशर P1 टू द फाइनल प्रेशर P2, द हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज क्यू, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस इज। ये अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके, मैंने इसका पूरा डेरिवेशन बताया आपको, पी और टी को दोनों को लेकर, वी वाले को लेकर और टी वाले को लेकर, वो आप देखिए उससे, तो उसका आंसर आपका आएगा बी वाला, MRLnP/T। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ P2/P1 भी दिया गया है, P1/P2, तो आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो P1/P2 आएगा उसका आंसर, ये आप ध्यान दीजिए। जब हम वॉल्यूम के केस में लेते हैं तो वो क्या आता है, V2/V1 आता है आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक बात करें तो। अगला क्वेश्चन है 12th वाला, जो 2014 में पूछा गया था, एक नंबर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइब एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल हीट इंजन। देखिए, क्यू के रिस्पेक्ट में दिया गया है और DQ/T के रिस्पेक्ट में दिया गया है। हमेशा याद रखिए क्या होता है, हीट इंजन में क्या होता है, हमें वर्क मिलता है, तो यानी कि DQ जो होगा उसका चेंज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, हमारा क्या होता है, हीट हमारा यहाँ से जा रही होती है, हम हाई टेम्परेचर से, यानी कि ज़्यादा हीट मिलती है, और ये हमारा रिजर्वायर अगर बीच में हम हीट इंजन लगा देंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, वर्क आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि DQ/T जो हम निकालेंगे, DQ निकालेंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो यानी कि कौन सा हो सकता है, या तो A हो सकता है या C हो सकता है। अब देखिए, हमें पता है एंट्रोपी के रूल के हिसाब से, क्लॉसियस थ्योरम के हिसाब से, कि लेस देन 0 होना चाहिए फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जो 2014 में पूछा गया था, एंड
अमाउंट ऑफ 100 किलोवाट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ वॉल इन अ स्टडी स्टेट. ठीक है, वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन एट द 127 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर इज एट 27 डिग्री सेल्सियस. एंट्रोपी जनरेशन हमें पता नहीं है हीट की वजह से. देखो क्या होगा, यानी कि एक वॉल है, इसका टेम्परेचर क्या है, पहले 127 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हीट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगी, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी क्यू. ठीक है, तो हमें एंट्रोपी चेंज निकाल, यानी कि पहले हम एक साइड का निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज दोनों साइड का निकालते हैं, यानी कि डेल्टा एस क्या होगा, अगर हम इस साइड्स का देखें तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी. क्यू कितना हमारा रिलीज होगा, 100 किलोवाट ऑफ हीट है, तो 100 वाई, देखिए हमें क्या किस में चाहिए, चलो बाद में चेंज कर लेंगे उसे, 100 वाई, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 400. ठीक है, लेकिन यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है तो ये माइनस में आएगा, प्लस प्लस माइनस का आप ध्यान दीजिए, कहाँ प्लस आना चाहिए कहाँ माइनस आना चाहिए, प्लस कितना होगा, 100 ही इसको मिलेगी, तो 100 डिवाइड बाई 300. ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, और इसको आप सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा कितना, 0.0833333 ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, किलो वाट में दिया गया ना, किलो वाट पर केल्विन, आप यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा. लेकिन इसमें देखिए क्या है, हमें किसमें पूछा गया, वाट केल्विन में पूछा गया, तो हमेशा याद रखना जिस यूनिट में पूछा गया उस यूनिट में आप आंसर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 83.3. अगर आप ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं देखेंगे, आपने पूरा क्वेश्चन किया लेकिन आपको 0 मार्क्स मिलेगा, माइनस में मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपको, तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिए. तो ये आपका आंसर हो गया वाट पर केल्विन. 2015 का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. देखिए, 1 kg ऑफ एयर आर दिया गया है, अंडरगोज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन द इक्विलिब्रियम स्टेट 1 से 2 तक जा रहा है. ठीक है, इनका टेम्परेचर दिया गया और प्रेशर दिया गया, द चेंज इन एंट्रोपी. देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर सेम है, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा डेल्टा एस, वो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, याद रखिए आप. अब क्या है, वॉल्यूम में दिया गया, तो वॉल्यूम वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एम आर एल एन ऑफ आपका क्या हो जाएगा, V2 by V1, तो V2 कितना है, 0.6 है, 0.6, और V1 कितना है आपका, 0.9 है. ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, M की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख दो. टेम्परेचर वाला इस केस इसलिए नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो हमने अभी ड्राइव की थी इक्वेशन. ठीक है, अभी उसी से कितने, तीसरा क्वेश्चन है ये. ठीक है, और आने वाले क्वेश्चन भी उसी से हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इक्वेशन है, हर एक एग्जाम में उससे पूछी जाती है, ज़्यादातर पूछा जाता है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस, क्योंकि माइनस में ही आएगा ये आंसर, 116.36. आप इसको सॉल्व करना, ये आपको आंसर आ जाएगा जूल पर केल्विन. हाँ, याद रखना किस में देना है, ये जूल पर केजी केल्विन में देना है, जूल पर केजी केल्विन. ठीक है, 1 kg लिया है तो यहाँ पे मत लेना. ठीक है, 1 kg तो वैसे ही दिया, केजी केल्विन में लेना. अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया था, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स में. कौन से सेट में पूछा गया था, या फर्स्ट में या सेकंड में पूछा गया था, किसी सेट में पूछा गया था. ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, इसमें प्रेशर दे दिया, यानी कि 1 बार दे दिया इसमें, या इसमें 2 बार दे दिया. उसमें क्या दिया था, वॉल्यूम दिया था, टेम्परेचर सेम है, और बस में क्या दे दिया, प्रेशर दे दिया. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम आर, इक्वेशन क्या हो जाएगी, ln of P1 by P2. सब सेम है और कुछ नहीं है उसमें चेंज, बस P1 की जगह क्या रख देंगे हम, P1 हमारा कितना है, 1 है, और P2 हमारा कितना है, 2 है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15th का -198.93 जूल पर केजी केल्विन. ये चीज़ ज़रूर याद रखना, बस जिस यूनिट में पूछा जाए उस यूनिट में आपको आंसर देना है. ऐसा नहीं है कि आप क्लोज रूम में निकालना है तो आप डायरेक्ट उसमें रख देंगे, जिसमें पूछा जाए उसमें आंसर रखना. ठीक है, 2017 में पूछा गया था, सेम 2015 का, बस उसमें क्या कर दिया उन्होंने, प्रेशर चेंज कर दिया वॉल्यूम की जगह. ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स में पूछा गया था. अभी इसमें भी, इसमें अब सेट कौन सा होगा पता नहीं, फर्स्ट या सेकेंड सेट में किसी में होगा. 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस, गैस कॉन्स्टेंट हमें दिया गया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें दी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिया गया है, सी वी इतना दिया गया, हमें प्रेशर दिया गया P1 इतना 1 बार,
और टेम्परेचर दिया गया 300 केल्विन। इस कंटेनर ने सील्ड रिजिड सिलेंडर, सील्ड रिजिड यानी कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इस सिलेंडर से, यानी कि इंसुलेटेड है ये सील्ड रिजिड, ठीक है। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस 100 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द स्टिरर, यानी कि यहाँ पे एक स्टिरर लगा दिया। ये भी हम कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ अपनी पिछली वाली वीडियोज में, ठीक है, तो आप देखना उस कॉन्सेप्ट को। द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की एंट्रोपी, देखो बाहर कोई एंट्रोपी नहीं जा रही है तो बाहर की एंट्रोपी कोई नहीं जा रही, तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज जीरो होगी। केवल एंट्रोपी चेंज क्या होगी, जो वाटर की एंट्रोपी चेंज होगी, ठीक है। तो वाटर की एंट्रोपी चेंज कैसे होगी, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं क्यू इक्वल टू डी यू बाई डी यू प्लस डब्ल्यू, डी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। अब डी यू जो आपका है, डी यू क्या हो जाएगा सी वी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी, एम सी वी डेल्टा टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, अगर इसको हम इस तरीके से। लेकिन क्या हो रहा है हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो ऑन द सिस्टम माइनस 100 किलो जूल लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा एम सी वी डेल्टा टी कितना है आपका टी टू, टी टू तो हमें पता नहीं है, माइनस 300 टी टू के लिए हम ये सब कर रहे हैं, और इक्वल टू 100 टी टू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 100 किलो जूल है, तो सी बी को भी किलो जूल में ले लेंगे हम, यानी कि 1 किलो जूल पर के जी केल्विन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो टी टू की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, टी टू की वैल्यू आपकी आएगी 400 केल्विन, सॉल्व करना इसको 400 केल्विन आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब हमें टी टू मिल गया, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्या लगाएंगे एम सी पी एल एन ऑफ टी टू वाई टी वन लगा सकते हैं, टी टू वाई टी वन, ठीक है। टी टू हमें पता है कितना है 400, टी वन हमारा कितना है 300, सी पी हमें पता है, अब देखो हमें किस में निकालना है, जूल पर केल्विन निकालना है, तो हम इसको जूल में ही ले लेंगे सी पी यू, सी पी यू कितना है हमारा सी वी, यहाँ पर सी वी आएगा, ठीक है, एंट्रोपी चेंज की वजह से ही हो रही है यहाँ पे, तो सी भी आएगा 1000 और एम की वैल्यू 1 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 287.69 जूल पर केल्विन, 287.69 जूल पर केजी केल्विन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एंट्रोपी वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, ये एंट्रोपी बहुत जरूरी चैप्टर है, इससे हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू द क्लॉसियस थ्योरम वगैरह से, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो हम लोग गलत कर देते हैं उसको, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर पढ़िए। अगली आने वाली वीडियोज़ में हमारे अवेलेबल एनर्जी वगैरह की वीडियोज़ आएंगी, और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना कर सकें उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वेब सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है, माइक्रो प्रोसेसर की एक लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिया है, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो बेसिक्स है वो हमारा क्या है उसके लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए भी है, क्योंकि उसमें मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स वाले जो टॉपिक है हमारा उसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर से पूछा गया है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा वो वीडियोस आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर की, उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं और उस टॉपिक को आप क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।